दोस्तों, IREPS पर किस प्रकार से टेंडर भरे जाते हैं, किस प्रकार से उनमें डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और कैसे कैसे उनको अपलोड करना पड़ता है, रेट किस प्रकार से डाली जाती है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, IREPS पर टेंडर भरने से पहले सबसे पहले आपको ये निश्चित कर लेना है कि ये वेबसाइट केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही ओपन होती है। तो चलिए हम जल्दी से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको टाइप करना है IREPS। देन उसके बाद में सबसे ऊपर www.irepsgov.in पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉग इन बटन पर आना है और यहाँ पर ई टेंडर पर क्लिक करना है। जैसे ई टेंडर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालते हुए लॉगिन करना है। देन इसके बाद आपके सामने एक इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा और इसमें लिखा हुआ है कि आपने लेटेस्ट वर्जन 1.5 IREPS साइनर के लिए डाउनलोड कर लिया है या नहीं किया है। यदि कर लिया है तो ठीक है, तो हम इसे सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अटैच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट करवाना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी तक DSC नहीं लगाई है, तो हम यहाँ पर सिंपली DSC लगा दे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको राइट साइड में क्लिक करना है और यहाँ से क्रिस साइनर को एग्जिट करवा देना है। दोस्तों, यदि आप यहां से एग्जिट नहीं करवाओगे तब तक ये यहां पर काम नहीं करेगा। तो अब सिंपली आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर अटैच करवाना है। तो आप देख सकते हो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए इस पर लॉगिन करना है। इसमें आपको DSC के पिन टाइप करना है और सिंपली ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर IREPS की आईडी को ओपन करके होम पेज पर आ जाना है। तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यदि टेंडर लगाना है तो यहाँ पर आपको सर्च टेंडर पर आना है और उसके बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हुए रेलवे जोन सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेते हुए मैं यहाँ पर यूनिट लूंगा। इसमें सिंपली हमको अजमेर डिवीजन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है और उसके बाद में नेक्स्ट 3 मंथ सेलेक्ट करेंगे। इससे अगले 3 महीने के सारे टेंडर जो भी ओपन होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। तो शो रिजल्ट्स पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने जितने भी आने वाले टेंडर हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाला टेंडर नंबर 53/2021 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर यदि टेंडर लाइव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस बटन पर प्रेस करेंगे। इससे आपकी बिड प्रोसेस पे हो जाएगी और यदि आप टेंडर की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर इस तरीके से इसकी रेट दिखा देगा, एडवर्टाइजमेंट वैल्यू और ये इस प्रकार से जो भी है आप सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आप टेंडर भरते हैं तो आपको ये चीजें आती होंगी और इस टेंडर की लास्ट डेट आज ही है 5 जनवरी 2022 3 बजे इस टेंडर का क्लोजिंग डेट टाइम रखा गया है। तो हम इसको जल्दी से भर लेते हैं। इसके लिए आप वापस से इस पर आएंगे और यहाँ पर आपको बिड प्रोसेस पर डाल देनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये लाइव टेंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी, कंप्लायंस, अटैच डॉक्यूमेंट, फाइनल ऑफर, इन सभी टैब को आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बैंक ट्रांसफर थ्रू RTGS NEFT और उसके बाद में यहाँ पर बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है
आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आना है एलिजिबिलिटी ऑप्शन पर। तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी ऑप्शन पर यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं मांग रहा। इसके बाद कंप्लायंस पर आना है तो कंप्लायंस पर भी इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मांग रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में यानी कि लोकल कंटेंट क्लोज में आपको यहाँ पर सिंपली 100 टाइप करना है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में कंफर्म करना है और यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट। अटैच डॉक्यूमेंट में आपको जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगा देने हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, एफिडेविट, सोल प्रोप्राइटर, जो भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस, इन सभी को आप बारी बारी से लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इनको लगा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में सेलेक्ट फाइल टू अपलोड, देन यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है। तो मेरी फाइल यहाँ पर सिंपली डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, यहाँ पर इस प्रकार से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और साइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और हमको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सभी डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर लोगे। तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। इसी प्रकार से आप भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा लीजिएगा और उसके बाद में आपको आना है फाइनल ऑर्डर पर। यहाँ पर आपको जो भी बिडिंग की रेट डालना चाहते हैं वो रेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रेट आप यहाँ पर तीन तरीके से डाल सकते हैं, परसेंट अबो, परसेंट बिलो और एट पार। यदि एट पार आप डालोगे तो जो भी रेलवे ने एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू डाली है उसी रेट पे लगेगा। यदि आप उस रेट पर बिलो डालना चाहते हैं, जैसे 10% कम पर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर 14,25,594 रुपए की जो भी एडवर्टाइजमेंट वैल्यू है इस पर कम रेट आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर डालूंगा 25.99% बिलो, तो यहाँ पर इसकी रेट रह जाएगी 10,55,082 रुपए। इसी प्रकार से यदि आप इसको अबो डालना चाहते हैं तो आप अबो पर भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वापस से ऊपर आकर सबमिट ऑफर पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे और उसके बाद में बिडर्स फाइल रेफरेंस पर आपको अपना नाम डाल देना है और इसके बाद में एनक्रिप्ट एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से वापस से डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करते हुए आपको इस बिडिंग को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से वेरी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट टेकिंग लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट, प्लीज वेट शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक मैसेज देखने को मिला है, वी आर अनेबल टू अपडेट बिड सबमिशन रिक्वेस्ट रिजल्ट स्टेटस। कहने का मतलब इस पर आपकी बिड सबमिट हुई है या नहीं हुई है इसका कंफर्म इसको पता नहीं चल पाया। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो
इसको वापस से ओके करेंगे और आपको यहाँ पर होम बटन पर आना है। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर होम मेनू पर आएंगे तो आपको यहाँ पर टेंडर्स पर क्लिक करते हुए लाइव टेंडर पर जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 टेंडर लाइव ले रखे हैं। इनमें से जो टेंडर हमने अभी भरा है वो टेंडर 53/2021 वाला है। तो यहाँ पर वापस से बिड प्रोसेस पर करेंगे। तो जब हम इसे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से शो होता है। कहने का मतलब आपने इस बिड को 9:03 पर इसे सबमिट कर दिया है। यदि आप इसके रिवाइज्ड बिड सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से रिवाइज्ड बिड भी सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आप रेट चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आप डालना भूल गए गलती से, तो उनको आप दोबारा से लगा के दोबारा से बिड को सबमिट करवा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। यदि आपको टेंडर फाइल करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।